The song Ek Raah is a perfect blend of dark romance and melody. The song was unveiled by Raghav Juyal and Madhurima Tuli at an event here. The cast of the song comprise of Tabish Pasha and Palak Shah. Well, of course, the singer is also Tabish Pasha, and the music and lyrics are by Sumit Sharma, directed and shot by Dhruval Patel. Ek Raah is high on its musical richness, its subtlety and its uncanny ability to reach deep within the hearts of the audience. The song will make the listeners embark into a blissful world of tranquil music and magnificent ambience. This heart-melting, dark romantic song is touted to be the love anthem of the year. Well, let's get on and see what happened at the launch of the song Ek Raah. मुझे तो अभी तो हजम नहीं हो रही है जो फीलिंग है अभी फिलहाल जो इतने सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं इतना सराह रहे हैं और पहली बार ही हो रहा है मेरी लाइफ में कि ऐसा कुछ लॉन्च वॉन्च टाइप की चीज़ हो रही है और अभी तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट तो जब होगा तो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा और मेरा भाई यहाँ पर आ गया है तो वो तो और दरअसल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गाना सुना मैं जानता नहीं हूँ उसे मैंने गाना सुना तो मुझे स्पेशली पता लगा कि गाना कहाँ है कहाँ हो रहा है इसका जो लॉन्च है तो मैं फिर वो ढूंढते ढांढते मैंने पता करा और फिर मैं यहाँ आया बट सीरियसली यार बहुत ही फ्रेश गाना है बहुत एक फ्रेशनेस है आजकल जिस हिसाब से यू नो कीड़े मकौड़ों की तरह गाने निकल रहे हैं सब एक जैसा लगता है लेकिन ये एक इसमें इंडिविजुअलिटी एक है और एक फ्रेशनेस है जिसको मैं बार बार सुनना चाहूँगा और स्पेशली ट्रैवल करते हुए बहुत सुनूंगा ये गाना मुझे हमेशा ये गाना जब मैं सुनता हूँ और इस गाने का प्रोसेस इस गाने को पैदा होते हुए उसको बढ़ते हुए उसको पाल पोस के जिस हिसाब से ताबिश ने बड़ा किया मैंने सारा प्रोसेस देखा है वो साथ में हम लोग जब फर्स्ट बन के आया था या फिर सोचा था तूने तो घर में ही हम लोग थे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो बढ़ते हुए देखा है और बहुत फ्रेश गाना है एंड मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है ये इसका वन ऑफ द फेवरेट तो मेरा पर्सनली मुझे लगता है वो ये है एक राह हाँ ये रणदीप हुड्डा लुक तो आ रही है लेकिन नहीं ये अच्छा इसने काम भी अच्छा किया है कैरेक्टर जो भी इसने पकड़ा है यहाँ बहुत इन द मोमेंट रह के बहुत ऑनेस्टी से किया है क्योंकि गाना खुद गाया है खुद बनाया है इसने तो वो उसको महसूस कर पा रहा था और काफ़ी बेहतरीन बहुत डैशिंग लग रहा है वीडियो में हालांकि मैं इतनी तारीफ करता नहीं हूँ उसकी वो प्रेस वाले हैं इसलिए कर रहा हूँ लेकिन डैशिंग लग रहा है इस वीडियो में है कुछ बात है अच्छा काम किया है मेकअप और हेयर वालों ने नहीं अब मैं बता देता हूँ कि राघव हमेशा जब भी कोई भी वीडियो का इनिशियली कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं तो ना सिर्फ वीडियो वाइज वो गाने की कंपोजिंग के टाइम पे भी राघव का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है हमेशा जैसे इससे पहले गाना था जी करता है उसमें बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी इनपुट उसने बनाई और वो जब बन के आया उसके बाद गाना इतना इन्हेंस हो गया इतना निकल के आया तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़तरनाक लगती है कि बीइंग अ एक्टर डांसर और वो सब इनपुट्स मुझे मिलते हैं और ऑडियंस एज एन ऑडियंस भी मैं देता हूँ दरअसल एज अ लिसनर तो वो मैं देते रहता हूँ और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है स्पेशली इस इंडस्ट्री में बहुत कम होता है कि लोग एक दूसरे को दोस्त एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें वरना ऐसा ही होता है कि अरे ये ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे गाने के लिए जनरली ऐसा होता है लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है बचपन के स्कूल के दोस्त हैं तो बहुत ही ऑनेस्टी से एक दूसरे को बोल मुझे भी बोल देता है यार इसमें तेरा काम अच्छा नहीं लगा यार मुझे इसमें ये था तो अच्छा लगता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देते हैं हम लोग एक दूसरे को और उससे चीज़ जो है वो बहुत निखर जाती है मुझे नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि अभी इतना ज़्यादा रीमेक्स का ज़माना है हम एज अ म्यूजिशियन एज अ लिसनर भी हमें इवॉल्व होने का टाइम है उल्टा जो 90s 80s के जो बहुत अच्छे रीमेक्स सब बने हैं गाने उनको ही रीमेक कर करके लूप पे घुमाया जा रहा है तो नया अगर हम कुछ इनिशिएटिव
ले पा रहे हैं, कुछ अच्छा अलग नया बना पा रहे हैं, अगर वो उतना वर्कआउट नहीं भी करता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर्सनली। मैं चाहता हूँ कि बस कुछ नया, जब भी कल को 10 साल बाद 12 साल बाद ऐसी कुछ बात हो, कुछ नया करने की बात होगी तो तब भी पिकअप होगा, तो लोगों को लगना चाहिए हाँ कुछ किसी ने कोशिश की थी। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, लाइफ से बड़ी चीज़ नहीं है वो। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट द होल लाइफ। चाहे तुम्हारा म्यूजिक हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे डांस हो, लोग बोलते हैं मेरी लाइफ है, नहीं लाइफ नहीं है भाई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ नॉट योर होल लाइफ। तो वही है कि कोविड ने ये बताया कि लाइफ, और उससे काफ़ी लोग रियलाइज़ करते हैं चीज़ें, और उसके बाद नई चीज़ें निकलती हैं, उभरती हैं और आविष्कार होते हैं। तो वैसे ही मेरे ख्याल से काफ़ी बैठे सोचने का तो बहुत टाइम मिलता है हमें उसकी कभी नहीं, हम पूरा पूरा दिन बैठ के सिर्फ सोच सकते हैं। जी तो मैं कुछ पेशकश आपकी हिमायत में क्या बोले, और गाना ही सुना दो आप। एक राह पे चलकर हाथ को पकड़ कर हर बात माथे को चूम के करते थे तुम, अब बात भी नहीं करते, क्या याद भी नहीं करते, ये दूरी का जहर कैसे पी लेते हो तुम, कैसे जी 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 लेते हो तुम, मेरी राहों को मोड़ के साथ को छोड़ के, मेरे टूटे ख्वाबों से खुद के ख्वाब सीते हो तुम। बहुत अच्छा म्यूजिक है यार, क्या फ्रेश। एक ग्रोइंग अप मेमोरी है, अगर वो ये इजाज़त दे तो मैं बता सकता हूँ। मैं इजाज़त नहीं दूंगा तो डेफिनेटली बताएगा, कैसे दे देता हूँ, थोड़ा बचा ही रहेगी इज्जत ना। एक बार स्कूल में असेंबली होती है ना सबके स्कूल में सुबह सुबह, तो सुबह सुबह असेंबली होती थी हमारे यहाँ, तो हम सब प्रे करते थे, लाइन में खड़े होते थे, मैं सबसे पीछे खड़ा होता था क्योंकि लंबा था। तो ये बोर्डर था, बोर्डर बोर्डिंग स्कूल में था, मैं बाहर से आता था डे स्कॉलर। तो सर ने बोला ओके एवरीबॉडी जॉइन योर हैंड्स, तो जैसे ही सबको बोला जॉइन योर हैंड्स, मैंने इसकी पीछे से पैंट नीचे, और उस दिन अंडरवेयर भी नहीं पहना था भाई तो थोड़ी देर तक ये देखते ही रह कि मेरे साथ हुआ क्या है, फिर उसने नीचे देखा, उसके बाद उस 6 महीने इस बंदे ने मुझसे बात नहीं करी, फिर बड़ी मुश्किल से मनाया और फिर ये हुआ। तो ये एक इंसिडेंट है जो अरे नहीं नहीं, अब तो मुझे बहुत बार हम ये बता चुके हैं वाला किस्सा ना, और ये तो बहुत है यार, ये तो बहुत ऐसे ऐसे तो बहुत है। स्कूल की बात है, जब हम जवान होते थे, यौंग नहीं नहीं, अब तो चलती रही बात, इसका तो ऐसा ही है ना अब तो बहुत किस्से होते हैं ऐसे। मुझे ये बताओ आगे क्या सोच रहे हो, आगे किस हिसाब के गाने बनाओगे आप, देख रहे हो बात कैसे घुमाइए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। क्या 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 लागो के बारे में ऐसे कुछ किस्से, अच्छा मेरे बारे में बता दो यार। आजकल एक्चुअली आप बहुत ट्रेंडिंग में हैं,
सब कोई आपको देख के बोलता है नहीं यार ये लड़की में लव है, ऑनेस्टली इतने बड़े चांद के मुंह पे कुछ जो ऑनेस्टली बोलना। तो यहाँ पे भी मैं ऑनेस्टली चाहूंगी कि आप बताएं कि आपको ये जो सॉन्ग है कैसा लगा एंड हाउ डू यू लाइक तबीश एंड पर। ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे मुझे इतना अच्छे गाने आ रहे हैं और आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ श्रीकांत एंड द एंटायर टीम। सो मैं तबीश यू गाइस हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब वाला। मुझे गाना वैसे बहुत पसंद है शाह सर, थैंक यू आपके सपोर्ट के बगैर ये हो ही नहीं सकता था। सो थैंक यू फॉर ऑलवेज गाइडिंग श्रीकांत, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर एवरीवन। और यस आई एम वेरी हैप्पी, आई लव द सॉन्ग, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। ब्रेकअप के ऊपर जैसे सबको पता है दिल टूटा है, दिल बहुत बड़ा टूटता है जुड़ता है, तो ये गाना भी इसी के ऊपर है एंड आई लव, आई लव इट, आई एम श्योर एवरीबडी विल लव इट। थैंक यू सो मच कदील। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो अगर आधा डजन लोगों का दिल टूटा हुआ है तो हमारे साथ मम्मी जी भी मौजूद है एंड बिना हमारे बड़ों के ब्लेसिंग्स के कुछ भी लाइफ में करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैम आपको एक सॉन्ग कैसा लगा एंड प्लीज अपना क्यों भी बने। उसके शब्दों से थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं कि चलो शिवा और बहुत सारे हमारे जो आगे हैं अगले एक सितारा और जुड़ गया है एक राग। तो मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं और ये यूथ से ज़्यादा नहीं लेते थे ये गाना और हम लोग तो शायद बहुत पुराने जमाने थे तो यूथ को बहुत पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ऐसी हो आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ पेरी फैल और ये हम लोगों ने जैसे चलो सॉन्ग है शिवा है वी स्टार्टेड विद एस बी एफ डी और जब एक राह आया इट वॉज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग और वी वर रिलक्टेड कि ये थोड़ा डार्क या नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा लेकिन जब सुना क्योंकि इतनी मेहनत की है इस गाने के लिए और फिर हमें जुड़ना ही पड़ा और हम जुड़ गए। आई एम सो 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 प्राउड ऑफ श्रीकांत तुषार सर, ऑफ कोर्स ही इज ऑलरेडी ही हैज़ अ नेम, क्रिएटिव ख्याल इज़ अ बिग नेम एंड मुझे बहुत खुशी है दैट दिस सॉन्ग इज़ कम आउट विद द टू पीपल और गाना इतना खूबसूरत है एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट श्रीकांत इज़ डूइंग सो वेल इन हिज लाइफ और आई एम जस्ट होपिंग कि गाना सुपर हिट हो जाए और लोगों को बहुत पसंद आया कि गाना बहुत वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पसंद आएगा और तो एस सी एम टी और ऊपर जाएगा और क्रिएटिव ख्याल एंड एस सी एम टी विल साथ में सो हायर एंड हायर। इन दिस सॉन्ग डेफिनेटली नो इट्स ऑल हिज बट इन द बिगिनिंग डेफिनेटली ख्वाबिदा जब आया था हमारा पहला जो गाना था तब हम लोग का काफ़ी डिस्कशन होते थे क्या करना है कैसे आगे बढ़े एस बी एम टी को कैसे आगे बढ़ा के लेकर जाएं और गाने अच्छे होने चाहिए जो यूथ को कनेक्ट करें जो आजकल लोगों को पसंद आ रहे हैं वो सब हमारी बातें होती थी एंड देन फाइनली इट क्लिक्ड। लकीली ही हैज़ सो मेनी सॉन्ग्स कमिंग ऑन विथ हिम। उसके बाद ख्वाबिदा रिमिक्स बन गया, चलो आया जो क्रिएटिव ख्याल के साथ ही था एंड देन नाउ दिस। सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसे ही ये बनाते रहे गाने और गाने हिट होते रहे क्योंकि गाना क्या है कि कभी एक गाना कोई भी हिट हो जाएगा इट बिकम्स वेरी पॉपुलर। सो वो एक गाने के ऊपर होता है। वैसे तो पहला गाना काफ़ी अच्छा गया था उसके बाद थोड़ा ब्रेक लगा है। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर वन मोर नंबर एंड आई होप दिस इज इट। यस सो लाइक आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग कि जो शी फॉरगॉट दैट हम लोग घर पे सारे गाने मैं सुनाता ही हूँ, यू नो आई She has heard all the songs. हमने decide किया कि ये तीन गाने हैं जो बहुत अच्छे हैं, so वो inputs दे के भूल जाती है, so बहुत सारे inputs आए हैं वो अपने दुनिया में खुशी हो गई हमें बहुत खुशी हुआ फिलहाल तो। so SVMT music I am really happy, excited and मतलब आज जो जिनके साथ शुरू हुआ था ख्वाबिदा जो दीदी के साथ ही मैंने गाना किया है वो भी यहाँ पे हैं और उसके बाद SVMT म्यूज़िक जब मुझे लगा कि आगे क्या इसके बाद क्या तब तुषार सर आ गए एंड क्रिएटिव ख्याल आ गया एंड वो यू नो मेरे ख्याल ही बदल गए पूरी तरह से। मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद से यू नो देर हैज़ बीन नो टर्निंग बैक। वी हैव गिवन टू सॉन्ग शिवा और चलो, दोनों ने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद ये गाना आ चुका है तो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड की
ऑडियंस को पसंद आए, कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो, दैट्स ऑल। क्रिएटिव, सी एवरीबडी हैज क्रिएटिव थॉट्स, हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है क्रिएटिविटी के बारे में, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो उसकी वजह से एक दिन ख्याल आया कि चलो क्यों ना नाम क्रिएटिव ख्याल ही दिया जाए, इसलिए दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ क्रिएटिव ख्याल। मैंने श्रीकांत के साथ ऑलरेडी दो सॉन्ग्स बनाए, जैसे इसने बताया, शिवा और चलो, दे आर डूइंग गुड, और ये थर्ड सॉन्ग ट्रिपी एंड डिफरेंट, वेरी डिफरेंट जॉनर फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो मैंने बोला चलो लेट्स कीप द एसोसिएशन गोइंग, ये हमारा थर्ड सॉन्ग है और बहुत सून एक फोर्थ सॉन्ग भी आ रहा है हमारा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद श्रीकांत बिकॉज ही इज़ अ वेरी जेन्यून एंड वार्म गाय। सेम गोज फॉर हिज सिस्टर मधुरिमा, आई नो द एंटायर फैमिली, आई बीन देयर, वेरी वार्म एंड जेन्यून पीपल। तो एक अच्छा एसोसिएशन है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कीपिंग इट, कीप इट गोइंग फॉर लॉन्ग। या सो बहुत हेक्टिक तो था, मतलब इट वॉज लाइक, एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि फोर्थ डे व्हेन वी हैड टू कैच द फ्लाइट, हमारी फ़्लाइट थी शाम को 4 बजे चंडीगढ़ से, हम लोग शिमला में थे और हम लोग स्टिल शूट कर रहे थे क्योंकि हम लोग 3 दिन में 3 गाने वहाँ पे उड़ाने गए थे। तो फोर्थ डे पे वी वर शूटिंग, गाड़ी में जाते जाते कैब के शॉट ले रहे थे, एयरपोर्ट जब पहुँच रहे थे तो पहुँचते हुए भी हम शूट ही कर रहे थे। सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था बिकॉज टीम ऐसी थी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी, ताबिश पाशा जो वो सारी टीम को संभाल लेता है, इतना ज़िद्दी आदमी और इतना टैलेंटेड बंदा है, पैशनेट बंदा है, एंड ध्रुवल पटेल जो तीनों गानों के DOP हैं, ब्रिलियंट, मतलब मज़ा आ गया था हीना। सो आवर टीम वाज आउटस्टैंडिंग, तो जो भी किया हमने, एयरपोर्ट पे भी शूट किया उसमें भी मज़ा आया, टीम एफर्ट, टीम एफर्ट, द एंटायर टीम डिड गुड। यस, कभी कभी हो जाता है, आई मीन यू जस्ट गो विद द फ्लो टू मच एंड यू गो ओवरबोर्ड, तो तब मैं बोलती हूँ कि आई थिंक यू गोइंग ओवरबोर्ड, आई थिंक यू शुड जस्ट थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट कीप गोइंग अहेड, मतलब जब तक कुछ मतलब सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो आगे चल के कैसे फायदा। कुछ गाने हैं जैसे वो ही वॉज वेरी एडमेंट दैट आई वॉन्ट टू मेक अ सॉन्ग इन दिस, लाइक नहीं इट्स नो पॉइंट, मतलब गाना भी तो पसंद आना चाहिए जैसे, तो गाने कुछ सिलेक्ट करना भी इज ऑल्सो एन आर्ट विच ही हैज, ही इज वेरी गुड एट इट। So otherwise I think he's brilliant, मतलब he has good ideas, good concept, everything is his idea, तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो सो एक 100 मिलियन व्यूज़ वाला गाना आने वाला है विच विल फीचर माई सिस्टर, ये मैं वादा करता हूँ आज आपसे SVMT म्यूजिक में। बट ये बहुत अच्छा गिफ्ट मिल चुका है मुझे, ऑनेस्टली दिस इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, थैंक यू सो मच। सो फर्स्टली आई एम वेरी हैप्पी कि SVMT म्यूजिक, जिसकी शुरुआत हमने दिसंबर में की थी, एंड पैंडमिक में एक लेबल इंडिपेंडेंट शुरू करना एंड उसके बाद एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग करना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ करेज एंड गट्स। सो श्रीकांत ही डिसाइडेड कि जैसे भी गाने हों, एक्सपेरिमेंटल हों, वी विल डू इट। अभी जितने भी गाने आप सुनते हैं मार्केट में, म्यूज़िक बिजनेस जो भी चल रहा है अभी करंटली, इट्स अ वेरी रिपीटेटिव, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिमिलर आर्टिस्ट होते हैं, उस वक्त डिफरेंट जॉनरास के गाना बैक टू बैक करना विद इन 4 to 5 months, इट्स अ वेरी करेजियस स्टेप, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस सॉन्ग इज लाइव नाउ एंड पीपल आर लाइकिंग इट। एंड व्हेन वी स्टार्टेड द लेबल, वी हैव नेवर थॉट कि हम किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट के साथ ही काम करना चाहेंगे या पर्टिकुलर जॉनरा में बंधना चाहेंगे। सो वी स्टार्टेड विद खाबिदा एंड विच फीचर्ड विशाल एंड मधुरिमा, एंड दे डिड फैबुलस जॉब, द सॉन्ग इज डूइंग वेरी वेल, पीपल आर लाइकिंग इट। देन वी डिड शिवा, विच इज़ अ रिलीजियस सॉन्ग, डिवोशनल ट्रैक ऑन शिवरात्रि। So you can see the different type of genres we are exploring through the label, and Ikra is one of the track, and जो कि future based में है, थोड़ा सा rock mixed है उसमें, जो कि नहीं बनता है आजकल ऐसे गाने। So I'm very happy about it. Yeah. Okay. Thank you. Lovely track, you know, you're featuring with some of the
My experience was great. It was like my first project, but they made me so comfortable throughout the whole shoot, and they were very supportive about everything. The whole shoot was very smooth. We didn't really have any mess ups happening, and yeah, overall it was a very great experience. Yeah, we shot in Shimla, and one thing was we were shooting in a club, and it was very chilly. Like already the, you know, because we were in Shimla, it was very chill. Plus, we were shooting in the club, so it became so chill. I mean, it was a little task to, you know, shoot in such a chill atmosphere. But then, yeah, we somehow managed it. Yeah. So I wish them very all the best for future projects, and my experience, my personal experience with them was great. They are amazing people, and I really hope the best for their company. Thank you. Thank you. ये बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीज़ें सॉन्ग्स सिनेमा देख रहे हो, वो आपके अंदर बहुत इन्वॉल्वमेंट और इवॉल्व करता है आपको अंदर से. तो मैं बिकॉज ऑफ राघव एंड एवरीवन, तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखता हूँ. वीडियो पर चीज़ें नहीं आती हैं आँखों के सामने ज़्यादातर, तो उसी तरीके से जैसे कॉन्सेप्ट भी मैंने ही बनाया पूरा ये वीडियो का. आई हैव डिज़ाइन द होल कॉन्सेप्ट. एक जिम्मेदारी रहती है क्योंकि आपके ऊपर लेबल भी ट्रस्ट कर रहा है जो भी आप बना रहे हो कर रहे हो, तो एक जिम्मेदारी रहती है. लेकिन फिर वो रिस्क लेना ज़रूरी है. अगेन, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं है. तो बस रिस्क लिया और कोशिश यही रहेगी हमेशा आगे भी कि कुछ ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से, क्योंकि एक किसी भी आर्टिस्ट की ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने समझी है, इंडिविजुअलिटीज़ सबसे टॉप पे है. अगर वो अपनी इंडिविजुअलिटी कुछ दे पा रहा है तो आई थिंक वो सबसे बेहतरीन चीज़ है. किसी की इन्फ्लुएंस में आगे किसी और की तरह वो तो है ही ना, जिसकी तरह आप कर रहे हो, तो आप कभी भी वो नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर से रियल में निकलने वाला था. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा अपनी जो इनपुट है मेरे अंदर से जो आ रही है वो दूँ, और वही कोशिश की है. Fabulous. I think what I saw in the song was intensity. It was so nice. Of course groovy, of course catchy, but that intensity. He's always like that, extremely emotional. And he always, उसके emotions पूरे बाहर आ जाते हैं और दिख जाते हैं. And that is what I think it is important for an artist, singer, actor. And he's both, and he's fabulous in both. And we are clearly seeing it in the video. So I'm sure that people would connect. And it's a genre where I think everybody has gone through that phase, and it's absolutely fabulous. I'm so proud of him. He's like our bachcha. Say that again, sorry. You haven't seen the song. I I'll be very honest with you, although we know him for so long, but unfortunately for an artist, well, I have to say this, to survive, what happens is they get influenced by others. I was zapped to see that he has always kept his uniqueness. It's his song, and he owns it. So I'm pleasantly surprised.